कि फ़ाइदा जाअत अस-सौखा, जब कानों को बहरा कर देने वाली क़ियामत आएगी तो उस दिन होगा ये कि यौम यफ़िर्रु अल-मर्उ मिन अखी, आदमी अपने भाई से भागेगा, व उम्मीही व बनी, आदमी अपनी माँ से भागेगा, अपनी बीवी से भागेगा, अपने बच्चों से भागेगा। लिखुल इम्रिम मिन होम यौम दिन शनो युगनी, इसलिए कि उस दिन हर शख्स को बस अपनी फिक्र लाहिक होगी जो उसे दूसरों के बारे में सोचने से बेनयाज कर देगी, नफसी नफसी का आलम होगा। देखिए इन आयतों में क़ियामत की मंजर कशी की गई है, क़ियामत की हौलनाकी को बयान किया गया है। क़ियामत जब आएगी तो क्या आलम होगा, क्या हाल होगा, उसकी तस्वीर कशी की गई है। और आज के खुतबे में इन आयतों को पढ़कर गुफ्तगू शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि यकीन कीजिए, करोना वायरस के साए में इंसानी जिंदगी की हालत भी कुछ यही हो चुकी है। सच कहूँ तो दुनिया भर में जो हालात हैं, हमारे मुल्क में जो हालात हैं, तो इन हालात के लिए इससे बेहतर ताबीर नहीं हो सकती कि हम सब क़ियामत से पहले क़ियामत का समा देख रहे हैं, हम सब क़ियामत से पहले क़ियामत का मंजर देख रहे हैं। गोया क़ियामत कुबरा से पहले दुनिया में क़ियामत सुग़रा बरपा हो गई हो, मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, अपने चारों तरफ देख रहे हैं, अपने सामने देख रहे हैं मौत को, अपने दाएं देख रहे हैं मौत को, अपने बाएं देख रहे हैं मौत को, कभी इस गली में कभी उस गली में, अड़ोस पड़ोस में मौत हमारी आंखों के सामने हर दिन। कितनी जानों का खातिमा हो रहा है, पिछले दिनों जरा जायजा लो, कितने अजीजों को हमने खोया है, कितने रिश्तेदारों को हमने खोया है, कितने दोस्तों अहबाब को हमने खोया है, कितने जानने पहचानने वालों को हमने खोया है, हमारे साथ उठने बैठने वालों को खोया है, हमारे साथ इस मस्जिद में हाजिरी देकर नमाज पढ़ने वालों को खोया है। मौत हमारी और आपकी आंखों के सामने चक्कर लगा रही है, मौत का तमाशा सुबह शाम देख रहे हैं, शबो रोज देख रहे हैं, लेलो नहार देख रहे हैं। और न सिर्फ ये कि हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, हर मुल्क देख रहा है, और हर मुल्क का, दुनिया के हर खित्ते का हर इंसान देख रहा है। हजरात, इस चीज ने हर जगह नफसी नफसी का आलम, आपने क़ियामत के बारे में अहले इल्म जब भी गुफ्तगू करते हैं ये जुमला जरूर सुना होगा कि रोज़े क़ियामत नफसी नफसी का आलम होगा। देखो ये नफसी नफसी का आलम आज हमारे सामने है। आज इंसान को बस अपनी फिक्र है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, कहीं मुझ पर तो कोरोना वायरस का हमला नहीं हो जाएगा, कहीं मेरी जिंदगी खतरे में नहीं पड़ जाएगी, कहीं मेरी जिंदगी का खातिमा नहीं हो जाएगा। इंसान को इस सूरत हाल ने नफसी नफसी के आलम में मुब्तला कर रखा है। और अल्लाह ने क़ियामत के बारे में जो कहा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबती व अबी, क़ियामत आएगी, आदमी अपने भाई से भागेगा, माँ को देखकर भागेगा, बाप को देखकर भागेगा, बीवी को देखकर भागेगा, बेटे को देखकर भागेगा। आज ये मंजर हमारी आंखों के सामने है, जब कोरोना वायरस से वफात शुदा बाप की लाश को देखकर बेटा भाग रहा है, कोरोना वायरस से वफात शुदा भाई की लाश को देखकर भाई भाग रहा है, कोरोना वायरस से वफात शुदा शोहर की लाश को देखकर बीवी भाग रही है, कोरोना वायरस से वफात शुदा रिश्तेदार की लाश को देखकर रिश्तेदार भाग रहा है, कोरोना वायरस से वफात शुदा दोस्त की लाश को देखकर दोस्त भाग रहा है। क़ियामत से पहले क़ियामत का समय जो है हमारे सामने है।